ओडिशा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए ये रहा आपके सामने ओपीएससी एईई फुल नरिशमेंट पैक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी वे में ए टू जेड समझाए जाते हैं विद फुल मॉक टेस्ट सीरीज। आपको ये कोर्स मिल रहा है, बहुत ही अच्छे रिव्यूज है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इसका, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। वेलकम टू सीआईजेड प्लस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की एईई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट जो निकली है 2020-21 की नोटिफिकेशन में, उसके रिगार्डिंग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देख रहे हैं। लास्ट पेपर 2019 में कंडक्ट कराया गया था, उसकी हम डिटेल आंसर की के साथ डिटेल सॉल्यूशन हम देखेंगे इस पूरी वीडियो सीरीज में, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, वीडियो बाय वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का, सिलेबस का, वैकेंसी नोटिफिकेशन किसी भी, तो उसकी डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस की है कि इस वीडियो इस कोर्स को इस पेपर को अप्रोच कैसे करना है बेसिकली, सो आई सजेस्ट यू दैट। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको प्रीवियस ईयर करते करते या पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन में किसी भी टाइम ये लगे कि माय प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, मुझे किसी चीज की जरूरत है, किसी गाइडेंस की जरूरत है, किसी सिलेबस की वीडियोस की जरूरत है, नोट्स की जरूरत, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं www.cizplus.com या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन CIZ Plus ऐप। वहां पे हमने डिटेल और इसी एग्जाम के लिए ओपीएससी 8EE के लिए हमने एक डिटेल स्टडी पैकेज बनाया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, स्पेशली मेड फॉर दिस एग्जाम, जिस जो आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमारे व्यूअर्स को मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसकी इसकी सिलेक्शन हो, जितने भी हमारे व्यूअर्स इसको रेगुलरली फॉलो करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वेटेज बहुत ज्यादा होती है, बहुत जरूरी है, क्योंकि तो इसी से एग्जाम की अप्रोच पता चलती है। आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि गेट ईएस के क्वेश्चंस करके मैं सोच रहा हूँ कि मैं ओपीएससी को एग्जाम निकाल लूंगा। जरूरी है, गेट ईएस का क्वेश्चन बैंक अच्छा है, लेकिन आपको पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चंस करने भी बहुत जरूरी है। उससे पता चलता है कि इस एग्जाम का फोकस क्या है, इस एग्जाम में कितनी लेवल की स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी क्या है, इसका कट ऑफ क्या रहता है जनरली, ये सारी चीजें हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके पता चलती है। तो स्टार्ट करते हैं, सोम के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब विदाउट एक्सीडिंग इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट इज कॉल्ड। देखो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन है, जो जो कि सिंपल स्ट्रेसेस एंड सिंपल स्ट्रेन्स का होता है बेसिकली। तो डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब विदाउट एक्सीडिंग इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट। ऑप्शन है स्ट्रेन हार्डनिंग, शियर मॉडुलस ऑफ मटेरियल, बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल या फिर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसका आंसर है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। क्यों, ये मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस की डेफिनेशन ही है। देखो रेजिलियंस क्या होती है, अगर मैं रेजिलियंस की बात करूं, रेजिलियंस होती है मेरी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ये कहां से निकालते हैं, जो पी डेल्टा कर्व होती है मेरी, लोड पी डेल्टा कर्व का जो एरिया होता है, अंडर द पी डेल्टा कर्व का जो एरिया होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट कहां होती है, कहीं यहां पे होती है, इसका जो एरिया होगा ये होता है रेजिलियंस। अब मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस होता है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाके दिखाऊं, रेड से दिखा देते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ होता है ये जो रेजिलियंस है ना मेरी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ये होता है रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। और ये कहां से निकलता है, ये निकलता है मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट का एरिया,
ये दिस इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, और ये है रेजिलियंस, दोनों की डेफिनेशन पता चल गई। इसने पूछा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज द आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूडर्स लाइंस इन अ मटेरियल इंडिकेट दैट। अब ये क्या होती है, देखो यार थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ये। ल्यूडर्स लाइंस क्या होती है ना, जब हम लोग किसी मटेरियल का, जैसे लेट से ये बीम है, इसका सिंपल टेंशन टेस्ट करते हैं ना, यहाँ पे पी लोड लगा के, तब क्या होता है, हमें पता होता है कि जब ये एक्सिस है, मान लो इस बीम की, इस एक्सिस पे जो मैक्सिमम शियर की कंडीशन है, मतलब बेसिकली मैक्सिमम शियर प्लेन वो इस डायरेक्शन में आता है, राइट। तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम शियर की कंडीशन में ये ल्यूडर लाइन क्या होती है, बेसिकली एक तरह से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, स्ट्रेन लाइंस होती हैं मैक्सिमम शियर के केस में। जहां पे शियर में फेलियर आ रहा होता है वहां पे ये स्ट्रेच मार्क्स बना देती हैं ल्यूडर लाइंस। बेसिकली ल्यूडर लाइंस एक तरह से स्ट्रेच मार्क्स हैं, स्ट्रेन मार्क्स भी बोला जाता है इनको। तो ये किस केस में आती है, मटेरियल फेलिंग इन शियर, शियर के केस में आती है, जब शियर में फेल होने लग जाए, जब मटेरियल शियर में फेल होएगा तब यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे, ऐसे लगेगा मटेरियल यहाँ से अलग होना चाह रहा है, उस उन लाइंस को बोलते हैं ल्यूडर लाइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो मेटेरियल फेलिंग इन फ्लेक्चर, फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग, ना तो फटीग, ना तो क्रशिंग, शियर में फेलियर जब होता है उस लाइन को बोलते हैं ल्यूडर लाइंस। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, आपको किसी भी पॉइंट के टाइम का भी लगे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में तभी टाइप कीजिए, हमारी टीम उसको रिप्लाई करेगी विद इन 24 आवर्स में, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। फॉर स्ट्रक्चरल स्टील एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स द पॉइजन रेशियो। अब ये पॉइजन रेशियो के बारे में क्वेश्चन है, ऑप्शन है 1.3, बी है 0.01, सी है 0.75, डी है 0.3। आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों का आंसर पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है, ये मुझे लग रहा है, ये मेरी अप्रोच है, मैंने ऐसे सॉल्व किया है। बिल्कुल फील फ्री हो के आप लोग लाइव सेशन में सॉल्व, जब प्रीमियर हो रहा है वीडियो का, उसके साथ साथ कमेंट कर सकते हैं लाइव चैट में। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मेरे को डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए, और उसके साथ जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो नोट डाउन कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं एज यू विश। इसमें स्ट्रक्चरल स्टील की पॉइजन रेशियो पूछ रहा है। देखो इन जनरल वैसे जो स्टील होता है उसकी पॉइजन रेशियो होती है 0.25 से 0.3, लेकिन जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है उसकी पॉइजन रेशियो होती है 0.3। 0.3 इसकी पॉइजन रेशियो है। साथ ही साथ अगर मैं पॉइजन रेशियो की बात करूं, म्यू जिस को डिनोट किया जाता है, तो इसका मॉडुलस होता है, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है मॉडुलस ऑफ लेटरल स्ट्रेन, अपॉन एक्सियल स्ट्रेन, राइट, यही होता है। अब ये मटेरियल स्पेसिफिक होता है, अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग होता है, जैसे कि जो कॉर्क होता है उसका 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 पॉइजन रेशियो 0 होता है, लेकिन अगर रबड़ है, प्योर रबड़ है, उसका पॉइजन रेशियो 0.5 रहता है जनरली। ऐसे ऐसे अलग अलग मटेरियल्स की, जैसे स्टील का मैंने बताया 0.3 है, मेटल्स का होता है 0., जैसे कि कंक्रीट का होता है जनरली 0.15। तो ऐसे आप कुछ कुछ मटेरियल्स की याद रख सकते हैं, अक्सर पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है कि स्टील और कंक्रीट के पॉइजन रेशियो का रेशियो क्या है, 0.3 अपॉन 0.15, दैट इज 2। स्टील का पॉइजन रेशियो डबल है कंक्रीट से, जनरली अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिज्मेटिक बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन, व्हाट इज द एस्पेक्ट एंगल व्हिच डिफाइंस एन ऑब्लिक सेक्शन ऑन व्हिच नॉर्मल एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस आर इक्वल। देखिए इन क्वेश्चंस को मैं कैसे अप्रोच करता हूं, मैं अप्रोच करता हूं बेसिकली मोर सर्कल से। इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ए है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री और डी है 90 डिग्री। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक प्रिज्मेटिक बार है, प्रिज्मेटिक बार मतलब पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के अलोंग उसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, कहीं भी एरिया में कोई डिफरेंस नहीं, शेप में कोई डिफरेंस नहीं। इस पे पी लोड लगा दिया, एक्सियल लोड लगा दिया, पी एक्सियल टेंशन। अब बोल रहा है कि
वो एस्पेक्ट एंगल बताओ। देखो ये अगर इसकी क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ऐसा यहाँ सिग्मा लोड लग रहा है, ठीक है, टेंशन में कह रहा है कि वो एस्पेक्ट एंगल बताओ जहां पे नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेसेस इक्वल है। मैं कैसे करता हूँ इसको, मोर सर्कल से डील करता हूँ। तो इसका इस क्रॉस सेक्शन का अगर मोर सर्कल बनाया जाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर आपको मोर सर्कल बनाने में डाउट है, मैंने पहले ही बताया आप लोग कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल कोर्स इन्हीं ऐसी ऐसी चीजों के लिए। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस करके उसको देखा कि इस एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग के बेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे आप लोगों को हमारे कोर्स पे, तो आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं। मोर सर्कल ऐसे बनाते हैं, जनरली पहले सेंटर देख लेते हैं, सेंटर आएगा इसका सिग्मा बाय टू पे। मोर सर्कल की अगर मैं कंस्ट्रक्शन बताने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। यह है इसकी ओरिजिन, यहां पे होता है टाउ, यहां पे होता है सिग्मा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वो वाला पॉइंट बताओ जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस इक्वल है। अब देखो मैं क्या करता हूं, जनरली इस पॉइंट से एंगल देखता हूं, इधर से ये मेरा ये फेस है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से चलने लगा तो मुझे पता है इस पॉइंट पे सिग्मा बाय टू है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, सॉरी इस पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा बाय टू। यहां से एंगल घुमाते घुमाते चला, यहां पे अगर मैं पहुंचूंगा तो यहां पे टाउ है सिग्मा बाय टू। सिग्मा बाय टू और सिग्मा बाय टू मैच कर गया, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री, सेंटर से बन रहा है। इस एंगल पे नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट बताऊं तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है सिग्मा बाय टू, वाई कोऑर्डिनेट है सिग्मा बाय टू, यहाँ पे मैच कर रहा है। और तरीका क्या है, आप लोग जो इक्वेशन होती है ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सिग्मा एक्स वाली, जैसे कि ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग इससे भी कर सकते हैं, इसको और टाउ की इक्वेशन को मैच करा के कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी प्रोसीजर है। इंस्टेड आप मोर सर्कल से बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको एक बार मोर सर्कल की एप्लीकेशन पता चल गई तो इससे प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। अब मेरे को पता ही कि सेंटर से 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन जो मोर सर्कल पे सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल बनता है एस्पेक्ट एंगल के, जो एक्चुअल एंगल होता है। तो अगर 90 डिग्री बना रहा है, ये डबल है किसी चीज का, तो इसका हाफ कितना हुआ, 45 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 45 डिग्री। इस प्लेन पे 45 डिग्री पे ऐसा कंडीशन आएगी जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों सेम होंगे। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द टोटल एलोंगेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इट्स मटेरियल ई हैंग्स वर्टिकली अंडर इट्स ओन वेट डब्ल्यू। देखो ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को पक्का पता है आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, कई बार आंसर याद नहीं रहता। देखो इसकी लेंथ है एल, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, इसका यंग्स मॉडुलस है ई, और क्या इसका वेट है डब्ल्यू। अब पूछ रहे अपने अपने ही वेट में ये कितना एलोंगेट हो जाएगा, एलोंगेट होके कितना ये आ जाएगा ना, जो इतना बढ़ जाएगा, जो ये इसकी इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो इसकी वैल्यू होती है, इसको याद ही रखना है आपको, डेरिवेशन में ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं होता, बोरिंग हो जाता है। मैं इसकी पूरी डेरिवेशन बताऊं, बहुत आसान है वैसे। इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई। अब इसको याद कैसे रखना है आप लोगों को, याद इसको आप लोग ऐसे रख सकते हो। देखो एक दूसरी बीम अगर मैं बनाऊं सेम डायमेंशन की, ये एल है, इसका एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस ई है, वेट इसका, सॉरी अगर ये लेट से वेटलेस है, ठीक है, इसका वेट नहीं अगर हम कंसिडर कर रहे, और इस पे मैं डब्ल्यू का है, तो डब्ल्यू भी एक फोर्स ही है। अगर मैं इसकी डब्ल्यू की फोर्स लगा दू, एक्सियल फोर्स, तो इसकी एलोंगेशन क्या होती है, इसकी एलोंगेशन होती है डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन ए ई।
दैट डब्ल्यू एल अपॉन ए ही होती है इसकी एलोंगेशन। जब सेल्फ वेट के कारण होता है तब वो सेल्फ वेट के कारण उसका हाफ हो जाता है। सिंपल नॉर्मल एक्सियल लोड के कारण क्या उतना होता है, डब्ल्यू एल अपॉन ए ही, और जब सेल्फ वेट के कारण उतना ही सेल्फ वेट लग रहा है तो उसका हाफ हो जाता है। अगर आपको इसको यूनिट वेट की टर्म्स में याद करना है तो यूनिट वेट की टर्म्स में ऐसा होता है, जैसे अगर ये मेरा बीम है, वही सब कुछ सेम है, ए एल सब कुछ सेम है, ई इसका यूनिट वेट है, इस मेटल का यूनिट वेट है गामा, तो इसका डेल्टा हो जाता है, मतलब एलोंगेशन हो जाता है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ae। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ae। जब ये कब की बात है, सब कुछ सेम है, वेट नहीं दे रखा, यूनिट वेट दे रखा, मतलब मटेरियल डेंसिटी दे रखी है, तब हो जाएगा गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ae। एक्चुअल लोड के कंडीशन में पता ही है, और नॉर्मल सेल्फ वेट की कंडीशन में डब्ल्यू एल अपॉन 2 ae, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, डब्ल्यू एल अपॉन 2 ae। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट इन विच ऑफ द केस द फॉलोइंग बाय एक्सियल स्ट्रेस प्योर शियर कंडीशन प्रिवेल्स। देखो ऐसा तो ये याद ही रहता है बच्चों को, प्योर शियर कंडीशन क्या होती है, प्योर शियर कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिस में आप किसी भी प्लेन पे बात कर लो, आपको सिर्फ शियर फोर्सेस दिखेंगी प्लेन पे, आपको नॉर्मल फोर्सेस एक्ट करती नहीं दिखेंगी, उसको बोलते हैं प्योर शियर कंडीशन। और अगर हम लोग प्योर शियर की कंडीशन की बात करें तो प्योर शियर की कंडीशन में मोर सर्कल से मैं करता हूँ क्वेश्चन ज्यादातर, मोर सर्कल ऐसा बनता है, ये होता है प्योर शियर की कंडीशन में मोर सर्कल, यहाँ होता है सिग्मा एक्स, यहाँ होता है माइनस सिग्मा एक्स, और ये सब लोग, ये मतलब ये सर्कल का रेडियस है, ये सब सेम रहता है, यहाँ अगर टाउ एक्स टाउ वाई ये सब सेम रहता है, ये बेसिकली मोर सर्कल है प्योर शियर कंडीशन का। तो प्योर शियर कंडीशन में एक बात होती है, बाय एक्सियल स्ट्रेस का मतलब ये है कि अगर ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा एक्स है, और मैं सब कुछ, ये सिग्मा वाई है, ये सिग्मा वाई है, तो प्योर शियर कंडीशन तब बनती है बाय एक्सियल के केस में जब सिग्मा एक्स इज इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई हो जाए, जबकि इसके केस में है, अगर मैं इसको सिग्मा एक्स बोल रहा हूँ, उसको सिग्मा वाई बोल रहा हूँ इस वाले एंड को, तो सिग्मा एक्स क्या है मेरा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई, तो आंसर हो जाएगा डी। इसको आप डिटेल में समझ सकते हैं मोर सर्कल बना के, यही इसका सबसे शॉर्टेस्ट वे है अप्रोच करने का। अब देखो यार 180 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप लोगों को 3 आवर्स में, तो ज्यादा ही क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट टाइम में, तो उसी लिए ऑब्जेक्टिव में मोर सर्कल मुझे बहुत सही लगता है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मोर याद रख लीजिए, जैसे प्योर शेयर का केस में मोर सर्कल ऐसे बनता है, इसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में ये रिलेशन होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टील वायर ऑफ 20 mm डायामीटर इज बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप ऑफ 20 mm रेडियस, देन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर इज। देखो क्वेश्चन समझा देता हूं, पहले एक स्टील वायर थी, उसको ऐसे बेंट कर दिया, अब इस स्टील वायर की भी कोई डायमीटर है तो इसकी थिकनेस दिखानी पड़ेगी, ठीक है रेड से दिखा देते हैं, ठीक है, और ये बेंड कितने रेडियस में हुआ है, इसका रेडियस कर्वेचर क्या है, 10 मीटर का रेडियस है इसका, ठीक है, ई दिया हुआ है इसका, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। अब पूछा हुआ है इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितना इंड्यूस हुआ, अब स्ट्रेस कहाँ से आया, सबसे पहली बात तो बेंडिंग से आया, पहले बेंडिंग नहीं थी तो अब इसको बेंड कर दिया ना, इसमें एक बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस, और बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए बेंडिंग इक्वेशन लगाएंगे जो होती है एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, यही मेरी बेंडिंग इक्वेशन होती है। अब इसमें एम और आई का तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि मोमेंट और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कोई रोल है नहीं, हमें चाहिए सिग्मा ई आर और वाई हमें गिवन है, वो देखो कैसे वाई कैसे गिवन, देखो ई कितना है मेरा, ई है दिस, ये दिया हुआ है, आर कितना है, आर है 10 मीटर दिया हुआ है, वाई पता करना है, अब वाई के लिए इधर इसकी क्रॉस सेक्शन पे चला जाओ, लो जी मैं चला गया,
वाई कहां से पता चलता है? ये न्यूट्रल एक्सिस की सेंटर से पास हो रही होगी, वाई होता है। मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा है, मैक्सिमम स्ट्रेस कहां होगा? टॉप ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे, न्यूट्रल एक्सिस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे। इसका वाई मैक्स, अगर मैं मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करूं तो यहां वाई मैक्स की बात करूंगा, वाई मैक्स कितना हो सकता है इसका रेडियस, क्योंकि डायमीटर गिवन गिवन है, तो रेडियस कितना होगा? अगर डायमीटर है 20 mm तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10 mm। बस यही पता करना था। अब सिग्मा देखो, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू वाई मैक्स अपॉन आर। ई कितना है मेरा? टू टू इंटू 10^6 इंटू वाई मैक्स कितना है? 10 mm में है, तो मैं इसमें क्या, ये mm में गिवन है, तो मैं इसको क्या करूं, सेंटीमीटर में चेंज कर दूं, क्योंकि सब कुछ केजी सेंटीमीटर में है। या फिर एक काम कर सकता हूं मैं, y क्या है mm में है, इसको मैं पहले सुनो मेरी बात, मैं मीटर में चेंज करता हूं। देखो 10^-3 और r भी मीटर में रखता हूं, r कितना है मेरा? 10। अब देखो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो मीटर की बेसिकली जो मीटर और मीटर की जो रेंज है, ये वाई मैक्स भी मीटर में और ये भी मीटर में, मीटर से मीटर की डायमेंशन कट जाएगी, सिग्मा के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन में ही आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये काट लिया, अब ये 10^6 इंटू 10^-3, इसका आंसर आ जाएगा 2 × 10^3 kg/cm². क्लियर है, आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसको विजुअलाइज करना था कि कैसे वायर को बेंड किया है, आर इसने किस टर्म्स में दे दिया है और वाई कैसे निकालना है, ये सब हमें पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ द विड्थ टू डेप्थ ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बीम दैट कैन बी कट आउट द सिलिंड्रिकल लॉग ऑफ वुड विद होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज इज। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ईएस में बहुत बार पूछा गया है, इसको लोग ज्यादा रखते हैं। इसमें क्या होता है, देखो क्वेश्चन का मतलब ये है, ये सिलेंड्रिकल लॉग है। अभी सर आप ये तो सर्कुलर है, वे सिलेंड्रिकल की क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर ही होती है, उसमें से एक रेक्टेंगल काटना है, ऐसा कोई, उसमें से कोई ऐसा कोई रेक्टेंगल भी नहीं बोला हुआ, ऐसी कोई शेप काटनी है जिसकी विड्थ और हाइट हो। मान लो ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों की विड्थ अपॉन डेप्थ की रेशियो पूछ रहे, और कौन सी कंडीशन में, कंडीशन है कि ये जो निकालेंगे, जो ये हम लोग लॉग ये निकालेंगे, ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसका ये स्ट्रोंगेस्ट हो। अब स्ट्रोंगनेस को, मतलब स्ट्रेंथ को कौन डिनोट करता है, वो होता है सेक्शन मॉडुलस जेड। अब होता क्या ना, ये सर्कुलर है, सर्कुलर में एक्स और वाई को आर की टर्म्स में लाके, एक्स और वाई को आर की टर्म्स में लाके, सिंगल वेरिएबल में लाके इसका सेक्शन मॉडुलस को मैक्सिमाइज कर देते हैं, बेसिकली dz/dr को जीरो कर देते हैं। ठीक है, ये मैं बस तरीका बता रहा हूं। तो एक रिलेशन आता है उससे, एक्स और वाई में विड्थ और डेप्थ में, वो रिलेशन होता है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/√2, मतलब इसकी जो डेप्थ है वो √2 times ज्यादा है विड्थ से, डेप्थ ज्यादा है विड्थ। ऐसा नहीं सोच लेना है कि स्क्वायर सेक्शन निकालेंगे सबसे ज्यादा होगा, नहीं, ऐसा सेक्शन निकालना है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी जिसकी डेप्थ ज्यादा है विड्थ से, कितना? √2 times। याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कॉस्ट ड्यू टू शियर फोर्स इन अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज हाउ मच मोर देन परसेंटेज देन इट्स एवरेज वैल्यू। देखो इसको हमें याद ही रखना होता है, बेसिकली रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में टाओ मैक्स अपॉन टाओ एवरेज की वैल्यूज हमें याद रखते हैं, ये होती है 3/2 या फिर 1.5। मतलब क्या है इसका, देखो ये
शियर स्ट्रेस रेक्टेंगुलर बीम में पैराबोलिकली वेरी करता है, ऐसा कुछ वेरी करता है, सेंटर पे होता है मैक्स और ये होता है टाउ एवरेज, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये जो ये रहा मेरा टाउ एवरेज, ये कॉन्स्टेंट रहता है एवरेज स्ट्रेस पूरी क्रॉस सेक्शन पे, और ये है मेरा यहां पे सेंटर पे टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स और टाउ एवरेज के बीच में रेशियो होती है 1.5। तो अगर कोई चीज 1.5 टाइम्स है किसी के, तो वो कितना ज्यादा है, वो 50% ज्यादा है। हाउ मच इज मोर, कितना ज्यादा है, कितना परसेंटेज ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा का मतलब कितना मोर। अगर आपको ये क्लियर नहीं लगता तो ऐसा कर लो, ये पूछ रहा है ये टाउ मैक्स माइनस टाउ एवरेज अपॉन टाउ एवरेज इंटू 100, ये पूछ रहा है। ये हो जाएगा 1.5 टाउ एवरेज माइनस टाउ एवरेज अपॉन टाउ एवरेज इंटू 100, ये आ जाएगा मेरा 50%। कोई चीज किसी चीज के 1.5 टाइम्स ज्यादा है, 1.5 टाइम्स है, तो वो 50% ज्यादा हुई इससे, बेसिक परसेंटेज। क्लियर है ये क्वेश्चन? ऐसे ही आप लोग अलग अलग सेक्शन का, जैसे ट्रायंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, आई सेक्शन, इन सब का भी देख सकते हैं कि उनका रिलेशन क्या होता है टाइम ऑक्स और टाइम एवरेज में, वो याद कर सकते हैं। बहुत बेसिक साइज में आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बेसिक ये याद रहना चाहिए, डायमंड सेक्शन का, रेक्टेंगुलर सेक्शन का, ये सब याद रखते हैं। आगे आगे चलते हैं हम लोग। द डायमीटर ऑफ द कोर ऑफ अ सॉलिड कॉलम ऑफ द डायमीटर डी वेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू नॉर्मल कंसेंट्रेटेड ऑफ एनी इसेंट्रिसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द कॉलम इज। देखो ये क्वेश्चन पूछा कंफ्यूजिंग हुआ है, लेकिन है कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को डिफाइन क्लियरली नहीं किया हुआ इन्होंने। देखो पूछ ये रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, उसकी डायमेंशन है यहाँ, ये इसकी लेट्स से ऊपर की साइड है, इसका क्रॉस सेक्शन मैं यहाँ बनाता हूँ ऐसे। अब इसकी जो डायमीटर बोल रहा है ये दे रखा है ये डी। अब इसके बीच में ना एक सॉलिड कर्न होता है, बेसिकली एक सॉलिड सेक्शन होता है, कोर बोलते हैं इसको, किसी दूसरे कलर से दिखा। इस कोर पे क्या होता है, कोई टेंशन एक्ट नहीं करती, ये कंप्लीट कंप्रेशन में रहता है, तो नॉर्मल कंसेंट्रेटेड लोड रहता है। अगर कोई किसी भी तरह की इसेंट्रिसिटी भी लगेगी तो इस सेक्शन पे क्या होता है, हमेशा नो टेंशन कंडीशन होती है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे समझो यहां पे लेट्स से ये सेंटर है, यहां पे कोई पी लोड लगाया ई इसेंट्रिसिटी का। अब देखो इसमें मैं कंप्रेशन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, टेंशन को नेगेटिव, तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली वो वाली कंडीशन निकालता हूँ ई की, जहां पे टेंशन जस्ट रीच करे, ई मैक्सिमम कितना हो, इसेंट्रिसिटी मैक्सिमम कितनी हो, ताकि कंप्रेशन और टेंशन आपस में मैच कर ले। उससे ज्यादा अगर इसेंट्रिसिटी होगी तो टेंसाइल नेचर का चला जाएगा स्ट्रेस। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, और बेसिकली एरिया की क्या बात करनी, डी है ना, डायमीटर डी दिया हुआ, तो इसको देखेंगे, इसका स्ट्रेस निकालते, कंप्रेशन स्ट्रेस होगा पी अपॉन ए माइनस ऑफ अदर साइड पे टेंसाइल स्ट्रेस माइनस ऑफ अपॉन पीई अपॉन जेड, क्यों एम अपॉन जेड होता है बेसिकली टेंसाइल फोर्स, इसको कर देते हैं जीरो। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो, पी अपॉन पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस पीई अपॉन पाई डी क्यूब बाय 32, ये होता है सर्कुलर कॉलम का सेक्शन मॉडुलस। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ना, इसको जीरो के इक्वेट करते हैं, तो इससे ई निकल के आता है डी बाय 8। इससे इसको जब सॉल्व करोगे तो ई डी बाय 8 निकल के आता है, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इस सेंटर से सेंट्रिसिटी होगी डी बाय 8 की। अगर डी बाय 8 यहां, डी डी बाय 8 तो फिर इसका रेडियस हुआ ना सेंटर से, इसने पूछा डायमीटर ऑफ द कोर, इसका कोर का डायमीटर, रेडियस पता चल गया डी बाय 8, डायमीटर इसका डबल होगा, मतलब डी बाय 4 मतलब 0.25 डी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25 डी, डी बाय 4 डायमीटर पूछ रहा है। अगर रेडियस पूछता कोर का तो डी बाय 8 मतलब 0.125 डी,
इसने डायमीटर ऑफ द कोर पूछा है, इसको ऐसे याद रखते हैं जनरली, कोर ऑफ द डायमीटर होता है डी बाई एट, मतलब डी बाई फोर सॉरी, और इसका रेडियस होता है डी बाई एट, याद रखेंगे इस चीज को। और मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग हमारा कोर्स चेकआउट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए ज्यादा से ज्यादा, हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो एक अच्छा खासा स्टडी इकोसिस्टम बन जाता है, वहां पे डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगी जॉब की, कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कोई डाउट आता है आप लोग वहां पे देख सकते हैं, साथ साथ आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और आप लोग हमारे अदर कोर्सेज चेकआउट कीजिए, हमारा ओपीएससी का कोर्स देखिए www.cizplus.com पे, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए सीआईजेड प्लस ऐप, बहुत यूजफुल ऐप है इस प्रिपरेशन फेज के लिए। तो आई होप आप लोग ऐसी वीडियोस चेकआउट करते रहेंगे, आप लोगों को कोई भी सजेशन आता है इसमें, कोई कमेंट, कोई डाउट है, कहीं मेरे से कोई गलती हुई है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो सबसे मेन है। थैंक यू। ओडिशा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए ये रहा आपके सामने ओपीएससी एईई फुल नरिशमेंट पैक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी वे में ए टू जेड समझाए जाते हैं, विद फुल मॉक टेस्ट सीरीज आपको ये कोर्स मिल रहा है, बहुत ही अच्छे रिव्यूज है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इसका, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। और इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें सभी तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।